एक क्लब में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व उपकप्तान डेविड वार्नर, जो कि अभी टीम ऑस्ट्रेलिया से प्रतिबंधित चल रहे हैं, बता दें कि एक क्लब में मैच खेल रहे थे और बीच में ही मैदान छोड़ दिए। बता दें कि रैनविक पीटर सेम क्लब से वेस्टर्न सब अर्ब्स के खिलाफ खेल रहे थे, वो अभी 35 रन ही बनाए थे कि पारी में से मैदान के बाहर चले गए। बताया जा रहा है कि वार्नर मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के अपने पूर्व साथी फिलिप ह्यूज के भाई की पीड़ा पहुंचाने वाली छींटाकशी के बाद मैदान छोड़ दिया। गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में भूमिका के कारण अंतर्राष्ट्रीय और राज्य क्रिकेट से 12 महीने के प्रतिबंध का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान वार्नर इस घटना के समय अपने क्लब रैनविक पीटर सेम की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच के बाद वार्नर ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिर्फ वार्नर ही नहीं दोनों क्लबों का कोई भी खिलाड़ी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचता दिखा। वार्नर की पत्नी ने रविवार को जानकारी दी कि वार्नर पर क्या टिप्पणी की गई थी। अंपायर ने जेसन की उस टीका टिप्पणी को नहीं सुना। वार्नर तब 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वार्नर ने अंपायर को बताया कि वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि इस बीच मामले को शांत किया गया और वार्नर को अपनी पारी शुरू करने की इजाज़त दी। तब वे टीम के अपने साथियों के कहने पर वापस लौटे और 157 रन की आकर्षक पारी खेली। वार्नर की पत्नी कैंडिस वार्नर ने कहा, फिलिप ह्यूज के भाई जेसन ह्यूज इस घटना के दोषी थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।